तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, जिसका कि कल यानी कि 16 दिसंबर 2022, जी हाँ बच्चों 16 दिसंबर 2022 को आपका प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है आपका, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, और ये इस सैंपल पेपर का पार्ट टू वाला वीडियो है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले मैंने इसका पार्ट वन वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपका सेक्शन ए प्लस में सेक्शन बी दोनों सेक्शन मैंने कवर करवा दिया है। तो अगर आपने पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका पार्ट वन का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट टू वाले वीडियो में मतलब कि सेक्शन सी कवर करेंगे, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है, और अकेला लिटरेचर वाला सेक्शन 40 नंबर का आता है। सोचिए टोटल 80 नंबर का तो आपका पेपर है इंग्लिश का, और 40 नंबर का लिटरेचर वाला सेक्शन आ रहा है, मतलब कि जो आपकी दोनों बुक है विस्टास वाली और फ्लेमिंगो वाली, उन दोनों के अंदर से 40 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सेक्शन सी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, उन क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपके कल के पेपर के अंदर रिपीट होंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कल के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। इसी फॉर्मेट के अंदर कल का आपका पेपर आएगा इंग्लिश का। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम और भी सब्जेक्ट, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या अदर सब्जेक्ट हो, उनकी भी वीडियोस, उनके भी सैंपल पेपर्स की वीडियोस आपके लिए लाते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने में, हमें लगता है कि बच्चों को जरूरत है। अगर आप एक लाइक करते हैं बच्चों, तो उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है 301, और प्री बोर्ड के लिए हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं। कल आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, यानी कि जो आपको पेपर करने के लिए टाइम अलाउ किया जाएगा वो 3 आवर्स का किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, मतलब कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। पीछे चले तो यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ठीक है, वो दे रखा है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। पार्ट वन वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा दिया है, ठीक है, तो आप इसको बाकी वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। वही है कि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। जो हमारा पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन करने हैं वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे उसको पढ़ करके करने हैं, और अपने आंसर शीट के अंदर करेक्ट क्वेश्चन नंबर डालना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर आप 7th कर रहे हैं और आप वहां पर लिख दे कि क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आप कर रहे होंगे वही क्वेश्चन नंबर अपने आंसर शीट में लिखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कल आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सेक्शन सी को कवर करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे उसका आंसर आपको देना है। चलिए वीडियो को शुरू, हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहेगा, जाहिर सी बात है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें करने के लिए, कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछेगा, उसका आंसर आपको इस एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद देना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका कल पेपर होने वाला है प्री बोर्ड का एग्जाम या बोर्ड का एग्जाम जो आपका होगा, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर, तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो चौथे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम, मतलब अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट गिवन, यानी दो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, उसमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट जो है आपको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला वाला जो एक्सट्रैक्ट है आपका ये अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वहां से लिया गया है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी जो है सो की ग्रोथिंग ऑफ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इस तरह से काफी सारी चीजें बता रखी हैं, कि जैसे कि इसलिए हर कल पर हम एक फूल की पट्टी बांध रहे हैं, हमें पृथ्वी पर बांधने के लिए निराशा के बावजूद महान प्रकृति की अमानवीय कमी के उदास दिनों के हमारे लिए बनाए गए सभी अस्वास्थ्य कर और जो भी चीजें हैं उन सबको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से करके आपको ये अ थिंक ऑफ ब्यूटी का एक्सट्रैक्ट
दे रखा है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की वस्तु सदैव के लिए आनंद कैसे देती है। जाहिर सी बात है, कोई भी सुंदरता की जो वस्तु होती है हमेशा आपको आनंद देगी, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपको एक खुशी मिलेगी, क्योंकि वो यार वो है ही सुंदर चीज, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे आपकी माँ यानी कि आपकी माता श्री, हाथ जोड़कर नमन करता हूं अगर किसी को बुरा लगा हो तो, मैं सिर्फ एक एज अ टीचर आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी माता श्री या मेरी माता श्री जो है, आप जब भी उनको देखते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं खुशी होती होगी, और किसी को अगर ऐसा होता हो कि मतलब देख करके गुस्सा आता हो तो हो सकता है कि वो उतना मैच्योर ना हुआ हो, क्योंकि जब हम बच्चे थे और मम्मी हमें मारा करती थी तो हमें बहुत गुस्सा आता था कि मम्मी हमें क्यों मार रही है, ठीक है। लेकिन अब जो है अपनी मम्मी और पापा को देख करके हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में अगर कोई हमारी एक्चुअल केयर करने वाला है ना तो हमारे मम्मी पापा है, ठीक है। तो उनको देख करके हमें खुशी होती है और ऐसा लगता है कि उनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे, हमारी उम्र भी उनको लग जाए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक सुंदरता की वस्तु जो है वो सदैव के लिए आनंद कैसे देती है, ठीक है। तो एक सुंदरता की वस्तु कोई सी भी ले लीजिए आप, मैंने एक जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है, हालांकि माता श्री कोई वस्तु नहीं है, अगर माता श्री को वस्तु बोल दिया तो मम्मी लाठी लेकर के चढ़ जाएंगी और दो तीन लाठी तो आपको दे ही देंगी। खैर तो यहाँ पर देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विद टाइम एंड इट ऑलवेज गिव प्लेजर टू द बिहोल्डर, इट गिव एवर लास्टिंग जॉय, यानी कि सौंदर्य की वस्तु कह लीजिए सुंदर वस्तु जो है वो शाश्वत होती है, ठीक है। इसकी सुंदरता समय के साथ बढ़ती जाती है और यह देखने वाले को हमेशा आनंदित करती है, यह जो है सो कि चिरस्थाई आनंद देती है, मतलब एक ऐसा आनंद आपको देती है जो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि एक्सप्लेन क्वाइट ब्रीथिंग, यानी कि समझाना है आपको शांत श्वास को। तो इस तरह से लिख सकते हैं आंसर आपकी, क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स रिलैक्स्ड मूड एंड मेंटल पीस, यानी कि शांत श्वास का मतलब, शांत सांस का मतलब होता है तनाव मुक्त मनोदशा और मानसिक शांति, यानी मन का जो शांति होता है ना वो होता है, वही मेंटल पीस और रिलैक्स मूड हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, ये होता है क्वाइट ब्रीथिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि हाउ डज नेचर अफेक्ट अस, यानी कि जो प्रकृति होता है हमें कैसे प्रभावित करता है। तो द ब्यूटी ऑफ नेचर जो है सो कि एक्सर्ट्स पावर ओवर द ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ, द स्वीटनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर गेट्स स्वीटर विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि प्रकृति की सुंदरता जीवन के उदास पक्ष पर शक्ति डालती है, यानी जब आपका लाइफ का सैड डे रहता है ना या उदास दिन रहता है तो उस पर प्रभाव डालती है। समय बीतने के साथ प्रकृति की सुंदरता की मिठास और भी मीठी होती जाती है, यानी कि जो नेचर है वो और भी बढ़िया से बढ़िया होता जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट के अंदर से पूछे गए हैं और आंसर भी आपको यहीं से ढूंढ करके लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ हिंट जरूर मिल जाएगा, उस हिंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिप्लेस विद जो है सो कि डैशपोंडेंस, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निराशा को प्रतिस्थापित किया गया है। तो वो है आपका डॉग्ड, ठीक है, यानी कि हठी जिसको आप। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, यानी कि वह विकल्प चुनना है आपको जो अस्वस्थ और अन्य अंधकारी तरीकों का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अ पर्सन हु सीक्स गॉड्स हेल्प फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जो अपनी सभी समस्याओं के लिए भगवान की मदद मांगता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, यानी कि आपको यह पूछा है कि उस चीज की सूची बनाइए जो पीड़ा और दर्द का कारण बनती है। तो वो है आपका डार्क फेजेस ऑफ आवर लाइफ, एडवर्स सर्कमटांसेस और ग्लूमी डेज, यानी कि हमारे जीवन के अंधे मतलब अंधकार वाले दिन एक तरह से कह सकते हैं, या कह लीजिए जब हम बहुत ज्यादा उदास रहते हैं वैसे दिन, और प्रतिकूल परिस्थितियां,
ठीक है, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो अच्छी परिस्थितियां ना हो और उदास भरे दिन। तो इस तरह से ऑल ऑफ द अबव डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर आपको एक चॉइस दे दिया है, एक अथवा दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है, ये भी आपका एक एक्सट्रैक्ट है और ये जो लिया गया है और रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर से पहला क्वेश्चन है पूछा हुआ कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन द अबव लाइंस, यानी कि जो लाइन यूज है यहाँ पर, ये जो सारी लाइन आपको देखने को मिल रहा है एक्सट्रैक्ट का, इसके अंदर जो पोएट है, जो कवि है, उसका स्वर कैसा है, उसका टोन कैसा है, वो आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम लोग पोएट के टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आएगा सरकास्टिक, यानी कि उसका जो टोन है वो है आपका व्यंगात्मक टोन है, व्यंग करने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, यानी कि उसका आपको चयन करना है एक्सट्रैक्ट के अंदर से, उस वाक्य को पहचाने जो निम्नलिखित का सुझाव देता है। किस चीज का सुझाव सुझाव देता है कि नो वन जो है कि बॉदर्स टू टेक देयर कंसेंट बिफोर पुशिंग द प्रोमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे, यानी कि कोई भी बेहतर जीवन के वादे को आगे बढ़ाने से पहले उनकी सहमति लेने की जो है सो कि जहमत नहीं उठाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा आपका इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी कि लाभ लागू करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपने पूरे साल भर ये जो है सिलेबस अपना पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और ये जो भी एक्सट्रैक्ट लिए जाते हैं बुक के अंदर से आपका लिया जाता है, तो उस हिसाब से आपको आंसर यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फ्रेडेड थ्रू द दीज लाइंस, यानी कि इन पंक्तियों से गांव वासियों के किस गुण का अनुमान सॉरी लगाया जा सकता है। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइंस है जो अभी वो एक्सट्रैक्ट के अंदर आपने देखा, तो इससे हम लोग उनके भोलेपन के बारे में, ठीक है, गुलीबल के बारे में, यानी कि भोलेपन के बारे में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम यूज्ड एग्जांपल, यानी कि निम्नलिखित ये जो एनोलॉजी है, सादृश्य है, उसको सही ढंग से पूरा करना है और एग्जाम्पल को रिपीट नहीं करना है आपको। क्या है आपका यहाँ पर कि ग्रीडी गुड डोर्स जो है सो कि एलेशन डैश 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 और ऑक्सीमोरोन, यानी कि लालची अच्छे करता अनुप्रास डैश और ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पर आएगा आपका बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि लाभकारी शिकारी जानवर। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू वन एंड टू गिवन बिलो, यानी कि आपने जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा है तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा इस तरह से वो है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि द सिटी डवेलर्स मेक प्रॉमिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, यानी कि शहरी ग्रामीणों की भलाई के वादे करते हैं, ठीक है, शहर वाले, और द सिटी डवेलर्स हैव अल्ट्रोइड मोटिव्स, यानी कि शहर वासियों के गुप्त उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, सी वाला है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड इज द रीजन फॉर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है कि फिल द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपने जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। क्या है, कैलकुलेटेड टू जो है सो कि सूथ देम आउट ऑफ देयर वाइट्स इम्प्लाइज दैट देम आर बीइंग डैश, तो यहाँ पर है उन्हें उनकी बुद्धि से शांत करने के लिए गणना की गई का अर्थ है कि उन्हें डैश किया जा रहा है, तो उन्हें मैनुपुलेट किया जा रहा है या फूल बनाया जा रहा है या फिर ठगा जा रहा है। ठीक है, यानी चालाकी से मूर्ख या फिर ठगा हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चले तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर,
या अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर भी आपको दो एक्सट्रैक्ट दे दिया, उसमें से एक आपको एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना है और चार नंबर का आपका ये एक्सट्रैक्ट रहने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड का ए में ये एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है वो है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे आपका ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे आपको आंसर देना है। और फिलहाल के लिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ये आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछेगा आपका और आंसर आपको इसके अंदर से ढूंढ करके देना है, नहीं तो हिंट तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, सॉरी, ठीक है, रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है जो एक्सट्रैक्ट आपने ये पढ़ा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला, उसके बेसिस पे क्या है भाई ये सेंटेंस, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द राइटर्स रेफर टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एज इंस्पायरिंग बिकॉज डैश, यानी कि लेखक शैक्षणिक अवसरों को, यानी कि आपका जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होती है जिसको आप शैक्षणिक अवसर बोल सकते हैं उसको प्रेरक के रूप में संदर्भित करता है क्योंकि डैश, क्योंकि क्या है डैश यहाँ पर, इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे, दीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज वुड मोटिवेट देम टू वर्क टूवर्ड्स द गुड ऑफ द प्लैनेट, अलाउ देम टू ऑब्जर्व फर्स्ट हैंड दैट द प्लैनेट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड नेचर्ड रैदर देन अब्यूज्ड, यानी कि ये शैक्षणिक अवसर उन्हें ग्रह की भलाई के लिए, प्लैनेट की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें प्रत्यक्ष निरीक्षक करने की अनुमति देंगे कि ग्रह को गाली देने के बजाय सम्मान, यानी अब्यूज करने के बजाय सम्मान करना कैसे है और पोषण की आवश्यकता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बदलने वाला अनुभव नहीं है। ठीक है, तो बिगिन गिवन द लीड रोल इन अ प्ले, यानी कि एक नाटक में मुख्य भूमिका निभाना या मुख्य भूमिका दी जा रही है, यानी कि इस तरह से हो गया मुख्य भूमिका दी जा रही है, गोइंग ऑन एन एडवेंचरस ट्रिप यानी कि साहसिक यात्रा पर जाना, या फिर मीटिंग अ ग्रेट लीडर यू एडमायर, यानी कि एक महान नेता से मिलना जिसकी आप मतलब जिससे आप एक तरह से इंस्पायर्ड हो, इस तरह से जिसकी आप प्रशंसक हो या प्रशंसा करते हो, तो ये सारा ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है रेदर देन प्लेइंग अ वीडियो गेम, यानी कि एक वीडियो गेम खेलना उतना ज्यादा या वीडियो गेम खेलना मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता एक तरह से बजाय इन तीनों के। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको जो एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा उसके लिए एक मोस्ट सुटेबल टाइटल यहाँ पर आपको चूज करना है, तो वो है आपका एडवेंचर विथ अ मिशन, यानी कि एक मिशन के साथ साहसिक कार्य, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाई डज द राइटर्स रेफर टू एक्ट एज मोर इम्पॉर्टेंट देन जो है सुखी सॉर्व और लर्न, यानी कि लेखक अवशोषित या सीखने की तुलना में कार्य को अधिक महत्वपूर्ण क्यों कहता है, तो वो इसलिए कहता है क्योंकि बिकॉज हैविंग द राइट नॉलेज और इंक्लिनेशन अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट हाफ द जॉब डन, इट फॉल्स टू हैव एन इम्पैक्ट टिल इट अप्लाइड या फिर प्रैक्टिसाइज्ड पुट टू यूज इन आवर एक्शंस, यानी कि क्योंकि सही ज्ञान या झुकाव समझ होना सिर्फ आधा काम होता है जब तक इसे लागू या इसका अभ्यास न किया जाए, हमारे कार्यों में उपयोग में नहीं लाया जाता तब तक इसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, उस चीज को आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो देख लिया कि बाइक कैसे चलाते हैं तो आप समझ गए कि भाई बाइक कैसे चलाते हैं, चलो चाबी लगाया बाइक स्टार्ट कर लिया, उसके बाद फिर गियर वगैरह चेक किया और गियर नहीं है तो गियर लगा करके और जो है जो कि अपना आगे बढ़ा रहे हैं बाइक को, ये आपने देख लिया मतलब यूट्यूब वीडियो पे देख लिया, लेकिन वो इनकम्प्लीट है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली लागू नहीं करते अपने लाइफ में, एक बाइक को एक्चुअली में स्टार्ट करके नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आप एक बाइक को एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सब चीजों के साथ साथ बैलेंस भी बनाना होता है, बहुत सारी चीजें और करनी होती है। ठीक है,
तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है, उसका अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। इसी के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। डेरी यू आर जो है सो कि पिक्यूलियर, इस तरह से दे रखा है कि पिक्यूलियर, यहाँ पर मतलब ये आपका ऑन द फेस ऑफ इट वाला जो है वहां से ये एक्सट्रैक्ट लाया हुआ है। आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए इसी एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे क्या पूछा है हमसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिस्ट द प्लेराइट्स पर्पस ऑफ यूजिंग अल्फेज डैश इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर नाटककार के दीर्घ वृत्त का उपयोग करने के उद्देश्य की सूची आपको बनानी है। ठीक है, तो उसकी सूची बना लेते हैं भाई। इस तरह से है कि टू इंडिकेट टू द कैरेक्टर टू पॉज फॉर टफ टू एक्ट शोइंग गैदरिंग ऑफ जो है सो थॉट्स, सॉरी थॉट्स होगा यहाँ पर, मैं इस तरह से बोल दिया। तो ये होगा आपका, यानी कि विचार के लिए विराम देने के लिए, चरित्र को इंगित करने के लिए और विचार का जमावड़ा दिखाने के लिए कार्य करना, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब डेरी एंड मिस्टर लैम्ब इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि उस विकल्प का चयन करना है जो डेरी और मिस्टर लैम्ब का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, डेरी इंट्रोवर्ट एंड मिस्टर लैम्ब फ्रेंडली, यानी कि डेरी जो है वो अंतर्मुखी है और मिस्टर लैम्ब जो है वो दोस्ताना देखने को मिलता है उनका अंदाज। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड में यहाँ पर क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज मिस्टर लैम्ब्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द बीस्ट, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से उस चीज का आपको मतलब बताना है उस चीज के बारे में जो मिस्टर लैम्ब के दृष्टिकोण को बताता है, ठीक है, बीस्ट के बारे में। तो वो है आपका द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन द डिटेल्स, यानी कि दुनिया की सुंदरता विवरण में निहित है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि डेरी सेज आई कम इन हेयर बिकॉज आई लाइक्ड इट, व्हाट वाज द वन सिग्निफिकेंट थिंग डेरी माइट हैव लिंक्ड अबाउट द प्लेस एज पर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि डेरी कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगा। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार आपको डेरी को उस स्थान के बारे में कौन सी महत्वपूर्ण बात पसंद आई वो बताना है। तो वो है आपका अवे फ्रॉम जो है कि प्रेइंग आइज या फिर पीपल कह लीजिए, यानी कि ताक झांक करने वाली निगाहों से दूर जो है कि यहाँ पर उसको महसूस हुआ या लोगों से उस टाइप के लोगों से दूरी महसूस हुई उसको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट गिवन, यानी कि यहाँ पर आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट वही अटेम्प्ट करना है, दो दे रखा है और छह नंबर का आपका ये रहने वाला है, ठीक है, एक जो आप अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। पोएट्स एंड पैनकेक्स वाला जो आपका है वहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर लीजिए बच्चों। ओके, तो यहां पर आपने रीड कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या पूछा है इस तरह से कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को उचित रूप से पूरा करता हो। तो वो है आपका स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट वुड रेफर टू डैश, तो वो है आपका सिचुएशंस दैट रिक्वायर्ड वन टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यानी कि ये क्या कह रहा है कि दिए गए संदर्भ में सांसारिक अनुभव के चरण का उल्लेख डैश से होगा, तो वो होगा आपकी परिस्थितियां जिसमें स्ट्रीट स्मार्ट होने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी जो है सो कि सील्ड क्लोज्ड और प्रोपेल्ड, इस तरह से प्रोपेल्ड। तो वो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो ये आपको दे रखा है एनोलॉजी इसको पूरा करने के लिए इस जो एक्सट्रैक्ट है उसके शब्द का चयन करना है। तो ये है आपका
मुहरबंद और जो है सो कि प्रक्षेपित, उसके बाद क्या होगा, वो होगा आपका जो है सो कि कैटापल्टेड यानी कि पहुंचा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा क्वेश्चन कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये खाली स्थान को भरने के लिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चुनना है कि क्या हो सकता है। द हार्म डन टू द एक्ट्रेस वाज ए या फिर एन। तो यहाँ पर ये है कि अभिनेत्री को किया गया नुकसान ए या फिर एन डैश था, तो वो था आपका जो है सो कि अनजाने अधिनियम, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लीगल एडवाइजर, यानी कि उपरोक्त उदाहरण जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि कानूनी सलाहकार के लिए सत्य है। क्या सत्य है भाई? ही डिड नॉट गेट वेल विद अदर इन द डिपार्टमेंट, यानी कि वह विभाग में अन्य लोगों के साथ अच्छा नहीं था। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द टेक्सुअल क्लू दैट अलाउस द रीडर टू इनफेयर दैट द राइट जो है सो कि राइटर इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल फेथ ऑफ द एक्टर, यानी कि उस जो है सो कि शाब्दिक सुराग की पहचान करे जो पाठक और पाठक को यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि लेखक अभिनेता के पेशेवर भाग्य के प्रति सहानुभूति रखता है। तो वो है आपका सैड एंड यानी कि दुखद अंत। इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन एज पर द एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको ये कंप्लीट करना है जो ये सेंटेंस दे रखा है। क्या है कि द राइटर यूज द वर्ड यूनिफॉर्म टू रेफर टू द आउटफिट ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर्स बिकॉज जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म, यानी कि लेखक वर्दी शब्द का प्रयोग विभाग के सदस्यों के पहनावे के लिए करता है क्योंकि वर्दी की तरह डैश है, ठीक है। तो वो है आपका इज अ कॉमन ड्रेस कोड फॉर ऑल सिमिलर, जो है कि सिमिलरली देयर अपेरल ड्रेस वाज नियरली द सेम लूज खादी शर्ट एंड खादी धोती, ठीक है, यानी कि सभी के लिए एक सामान्य ड्रेस कोड है। इस तरह उनका परिधान पोशाक लगभग एक जैसा था, ढीली खादी शर्ट और खादी की धोती। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, बोले तो एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में देखिए हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझ लीजिए। ये भी आपका ये एक्सट्रैक्ट है और ये द एनिमी से लिया गया है, ठीक है। आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा इसको रीड कर लीजिए बच्चों। चलिए देखते हैं, इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट एनी वन रीजन व्हाई वाज डॉक्टर सडाओ नॉट सेंड विद द ट्रूप्स, यानी कि कोई एक कारण लिखिए कि डॉक्टर सडाओ को सैनिकों के साथ नहीं भेजा गया। वो इसलिए क्योंकि द जनरल थॉट जो है सो कि दैट डॉक्टर सडाओ इज जो है सो कि इंडिस्पेंडेबल टू हिज लाइफ एंड कैन बी सेव एनी वन एज ही इज वेरी स्किल्ड, यानी कि जनरल ने सोचा कि डॉक्टर सडाओ उसके जीवन के लिए एक अपरिहार्य है और वह किसी को भी बचा सकता है क्योंकि वह बहुत ही स्किल्ड है, कुशल है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पिक द ऑप्शन दैट विच डिस्क्राइब सडाओस एंड हाना इन द पैसेज, यानी कि उस विकल्प को चुनना है जो गद्यांश में सडाओ और हाना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो है आपका सडाओस डारिंग हाना जो है सो कि प्रो डेंट, यानी कि सदाव साहसी हाना और विवेकपूर्ण है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पिक द आइडियम दैट बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच सडाओ एंड हाना वेयर इन, यानी कि उस मुहावरे को चुने जो उस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसमें सडाओ और हाना थे। तो वह है टू बी इन हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी में होना। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द जो है कि टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसको पढ़ करके आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सडाओ एंड हाना केयर्ड अबाउट द सोल्जर्स बट वेयर वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ बींग जो है कि कंसीडर, ठीक है, कंसिडरेट,
यानी कि सडाओ और हाना ने सैनिक की परवाह की लेकिन विचारशील होने के परिणामों के बारे में चिंतित थे। और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सडाओ और हाना एक घायल सैनिक की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे जो एक अमेरिकी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट नंबर टू इज फॉल्स। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। पांचवा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड ईच। यानी कि पांच क्वेश्चन इसके अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं। पांचवे क्वेश्चन के अंदर दो नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल पांच क्वेश्चन अगर आप सही अटेंड करते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दो मार्क्स कैरी करता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी बाय सेल्मा लागोरलोफ। ठीक है, यानी कि सेल्मा लागोरलोफ की कहानी के संदर्भ में चूहेदानी के रूपक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो वो है यूज ऑफ द मेटाफोर ऑफ रेड ट्रैप टू हाईलाइट स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर गेटिंग ट्रैप्ड इन हिज जो है सो की एवेयर राइस। ठीक है, यानी कि चूहेदानी के रूपक का उपयोग एक चरित्र की अपनी लालच में फंसने की कहानी को उजागर करने के लिए किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कमला दास स्पीक्स ऑफ एन ओल्ड फैमिलियर एच ए, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस फीलिंग। यानी कि कमला दास एक पुराने जाने पहचाने दर्द की बात करती है, आपके विचार में इस भावना का कारण क्या है। तो वो है आपका रियलाइजेशन दैट शी हैज नॉट गिवन इनफ केयर टू हर जो है सो की एजिंग मदर। यानी कि यह एहसास कि उसने अपनी बूढ़ी माँ की पर्याप्त देखभाल नहीं की। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि फियर ऑफ परमानेंट जो है सो की सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, यानी कि अपनी माँ से हमेशा के लिए अलग होने का डर। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ इज अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय अ जॉय फॉर एवर। यानी कि सुंदरता की जो वस्तु होती है वो सदैव के लिए आनंद कैसे होती है, मतलब कैसे देती है इस तरह से। तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जो है सो कि इटर्नल, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विथ time and it always give pleasure to the beholder, it gives everlasting joy। यानी कि सुंदरता की चीज हमेशा सुंदरता आपको खुशी ही देती है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाई डज डैरी गो बैक टू मिस्टर लैम इन द एंड। यानी कि डैरी जो है अंत में मिस्टर लैम के पास वापस क्यों जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि एक्चुअली मिस्टर लैम हैज टफ डैरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो वास्तव में मिस्टर लैम ने डैरी को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया था इसलिए। ठीक है, ही एडवाइज हिम नॉट टू केयर अबाउट द कमेंट्स मेड बाय अदर, ही नाउ नो लॉन्गर केयर्स अबाउट हिज बर्न फेस और लुक्स, ही इज मोर कंसर्न व्हाट ही जो है सो कि थिंक्स एंड फील्स व्हाट ही वांट टू हियर एंड सी ही रिटर्न टू मिस्टर लैम। यानी कि वह उसे सलाह देता है कि वह जो है सो कि दूसरे द्वारा जो कमेंट किया जाता है ना, भद्दा कमेंट जब हम लोग ऐसे देखते हैं तो कई सारे देखते हैं आप समाज में असामाजिक तत्व होते हैं जो दिव्यांग लोगों को देख करके कई कमेंट भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलता है कि वो उसकी परवाह ना करे, उसे अब अपने जले हुए चेहरे या रूप की परवाह नहीं है, वह अधिक चिंतित है कि वह क्या सोचता है और महसूस करता है, वह क्या सुनता है और देखना चाहता है, वह मिस्टर लैम के पास लौटता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि हाउ डज द पोएट यूज द इमेज ऑफ फिंगर जो है फ्लटरिंग थ्रू द वूल टू
हाईलाइट आंट जेनिफर्स जो है सो की विक्टिमाइजेशन, यानी कि आंट जेनिफर्स के जो है सो की उत्पीड़न को उजागर करने के लिए कवि उनमें फड़फड़ाती उंगलियों की छवि का उपयोग कैसे करता है, तो वो आपको बताना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप आंसर की एज अ साइन ऑफ रिप्रेजेंट्स फॉर नॉट अटेंडिंग स्कूल ऑफ टेन, यानी कि अवसर स्कूल न जा अक्सर स्कूल न जाने के लिए पश्चाताप के संकेत के रूप में, और साथ ही साथ टू पे देयर जो है कि ट्रिब्यूट टू द टीचर, यानी कि शिक्षा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, साथ ही साथ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री विच वॉज नो लॉन्गर टीयर्स, यानी कि उस देश के सम्मान के निशान के रूप में जो अब उनका नहीं था। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टक इन एंटार्क्टिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस एरिया यूजफुल टू अस, यानी कि दुनिया का भूमि जो भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है, इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका का स्टडी, क्यों भाई, जो थोड़ा देख लेते हैं। स्टडींग द अंटार्कटिका रीजन कैन बी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कैन पॉसिबली गो, इट कैन टेल अस द इंपॉर्टेंस ऑफ जो है सो की कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कॉबरियन ग्रेन सील्स ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड जो है सो की एक्सटेंशन, यानी कि अंटार्कटिका क्षेत्र का अध्ययन हमारे ग्रह के भूत वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हो सकता है मतलब कि यह जो है समझने में मदद कर सकता है कि हम कहाँ से आए हैं और हम संभवतः कहाँ जा सकते हैं। यह हमें कॉर्डिलर फोल्डर्स और प्री कैब्रियलियन ग्रेनाइट सील्स के महत्व को बता सकता है, ओजोन और कार्बन विकास और लुप्ति होने के बारे में, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई जा सकती है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड ईच। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन अटेंड करने हैं 40-50 शब्दों में और ये दो दो नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि हाउ इज द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद कोर्स फॉर द बैंगल मेकर्स। ठीक है, यानी कि फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग चूड़ी बनाने वालों के लिए किस प्रकार एक अभिशाप है, वो आपको बताना है। तो इसलिए क्योंकि वहां पर बिल्कुल हार्श कंडीशन में लोग काम करते थे, लाइक हाई टेम्परेचर्स, लैक ऑफ प्रॉपर वेंटिलाइजेशन एंड लाइट, यानी कि ये कह रहा है कि उच्च तापमान पर उचित वेंटिलेशन और प्रकाश की कमी देखने को मिलती है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेस, यानी कि गर्म भट्टी के सामने लंबे समय तक काम करना होता है क्योंकि उनको बैंगल बनाना है, तो आईज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट, यानी कि आंखें प्रकाश की तुलना में अंधेरे में अधिक समायोजित होती है। ठीक है, और साथ ही साथ डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बैंगल्स अफेक्ट देयर आईज, यानी कि जो चूड़ी को पॉलिश करते वक्त जो डस्ट निकलता है उससे आंखों को मतलब वो आंखों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन यह क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड द गिफ्ट ऑफ द रैट ट्रैप सिग्निफाई, यानी कि चूहेदानी का उपहार क्या दर्शाता है। तो वो ये दर्शाता है स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 क्रोन्स एंड अ नोट, यानी कि क्रोन्स और एक नोट के साथ छोटा चूहा जाल दर्शाता है, साथ ही साथ विशेष जो है सो कि मनी टू बी रिटर्न्ड टू क्रॉफ्टर, यानी कि क्रॉफ्टर को पैसा लौटाना चाहता है, और कन्फेस दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, यानी कि कबूल करता है कि उसने गलती की थी, साथ ही साथ गॉट काउट इन हिज ओन रैट ट्रैप, यानी कि अपने ही चूहेदानी में फंस गया, और थैंक्स फॉर ट्रीटिंग हिम लाइक अ रियल कैप्टन, यानी कि उसे असली कप्तान के रूप में मतलब एक तरह से बर्ताव करने के लिए थैंक्स करता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए कि द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिप्लेट विथ सिंबल्स, इंटरप्रेट एनी थ्री सिंबल यूज इन द पोएम। तो तीन कौन से सिंबल यूज हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला था
वेडिंग बैंड यूज हुआ था यानी कि शादी का बंधन, दूसरा था आंट जेनिफर्स यानी कि आंट जेनिफर्स के बारे में बताया गया, और तीसरा था टाइगर यानी कि बाघ के बारे में बताया गया। तो ये तीन थे आपके सिंबल्स, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड ईच, ठीक है, यानी कि आपको कोई एक क्वेश्चन इसके अंदर अटेंड करना है और कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 150 शब्दों के अंदर, और 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, द स्टोरी कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ जो है सो की फिगरेटिव जो है सो की मेन फेस्टेशन ऑफ लाइफ में मैनी चैलेंजेस इलेबोरेट विथ रेफरेंस टू द टेक्स्ट, यानी कि डीप वाटर कहानी डगलस के पानी के डर पर काबू पाने के प्रयास के बारे में जो है सो की बात करती है। कहानी को जीवन की कई चुनौतियों के अलंकारिक अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पाठ के संदर्भ में आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो कुछ इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों कि कैसे उसने अपना जो है डर भगाया और क्या चीजें उसने की है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आगे चले तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाएगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज द स्टोरी रैट ट्रैप हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन सपोर्ट योर रैशनल विथ टेक्स्टुअल एविडेंस, यानी कि कहानी जो रैट ट्रैप था वो अलगाव पर समुदाय के महत्व को कैसे उजागर करती है, पाठ के साक्ष्यों के साथ अपने तर्क का समर्थन करना है, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि द रैट ट्रैप सेल्स अंडर जॉर्ज चेंज इन हिज पर्सनैलिटी एज ही एक्सपीरियंस द शिफ्ट फ्रॉम आइसोलेशन टू कम्युनिटी, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला जैसे जैसे अनुभव करता है उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है, अलगाववाद यानी आइसोलेशन से समुदाय में बदलाव का अनुभव करता है। तो इसी प्रकार से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन। यहाँ पर भी बोल रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड ईच, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी, तो मिस्टर लैम्ब और डेरी के चरित्र की तुलना करनी है। तो आप यहाँ पर पहले उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स, मिस्टर लैम्ब हैड अ टिंड लैग और वेयर एज डेरी हैड अ बर्न फेस, बट बोथ ऑफ देम डिफर इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हैंडलिंग देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि मिस्टर लैम्ब और डेरी दोनों ही समस्याओं से ग्रस्त थे। मिस्टर लैम्ब का पैर टीन जो टीन का था इस टाइप से, जबकि डेरी का चेहरा जला हुआ था, लेकिन दोनों ही अपनी समस्याओं से निपटने के लिए अपने को एक अच्छा मानते थे, अपने अपने दृष्टिकोण से देखते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को निपटते थे। बाकी मिस्टर लैम्ब जो थे वो कैसे थे वही आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी पॉजिटिव थे वो इन हिज आउटलुक, और बहुत ब्यूटीफुल चीज मतलब नजरों से वो देखते थे, ठीक है, मतलब इस दुनिया को, और वेरी फ्रेंडली थे, ओपन हिज डोर टू द वर्ल्ड। आप यहाँ पर पूरा का पूरा उनका जो कैरेक्टर है वो रीड कर सकते हैं बच्चों मिस्टर लैम्ब के बारे में। बाकी डेरी कैसा था, डेरी की अगर मैं बात करूँ तो स्केरी था वो थोड़ा सा, मीटिंग पीपल एज ही हेट सींग जैसे कि देयर फियर ऑफ हिम फेसिंग देयर रिजेक्शन, यानी कि लोग उनको उसको देख करके थोड़ा सा जो मिसबिहेव करते थे उसको लेकर के थोड़ा सा वो डरता था, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये डेरी का कैरेक्टर है। आगे चले तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बोथ बामा एंड जीत क्लासा आर विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज प्रैक्टिस्ड इन द सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस डिड बोथ ऑफ देम गो थ्रू, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि बामा और जीत क्लासा दोनों ही उस भेदभाव के शिकार है जो समाज में किया जाता है। समाज दोनों जो है सो कि किस तरह से अनुभव से गुजरे, मतलब समाज में वो दोनों ही जीत क्लासा और बामा किस तरह के अनुभव से गुजरे हैं, तो वो आपको बताना है। तो कुछ इस तरह से आंसर लिख सकते हैं आप कि ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स डील विथ वुमेन्स ऑफ जो है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल खाते हसीय के समुदाय की महिला से संबंधित है। साथ ही साथ यह बताया गया है कि बोथ नरेट प्रोजेक्टिव एंड ह्यूमिलेशन फेस्ड फ्रॉम
मेन स्ट्रीम कल्चर यानी कि दोनों ही मुख्य धारा की संस्कृति से सामना किए गए पूर्वाग्रहों और अपमान का जो है कि वर्णन करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लाइक हर ब्रदर टोल्ड हर टू वर्क हार्ड टू विन ऑनर एंड डायनेस्टी, यानी कि उसके भाई ने उसे सम्मान और सम्मान जीतने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट विट एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के एक बुजुर्ग के साथ उसे देखा गया। तो इस तरह से काफी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बामा एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी वेरी अर्ली इन लाइफ, यानी कि बामा ने जीवन में पहले ही अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाली जो चीजें वो पहले एक्सपीरियंस कर ली थी। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का जो सैंपल पेपर नंबर 2 था वो समाप्त होता है, एंड होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया। यही था बच्चों आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए करे और आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से पेपर करना। जय हिंद।